नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। आप हमारी स्क्रीन पर हार्दिक पांड्या को देख रहे होंगे जो सबका अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो अभिवादन क्यों किया गया है वो तो आपको पता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम को पहले ही डेब्यू सीजन में आईपीएल की ट्रॉफी जो है जितवा दी है। और उसके बाद की ये जो तस्वीर है वो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिस तरह से वो अभिवादन स्वीकार कर रहे थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पर बैठी हुई जनता जो उनकी घरेलू जनता थी, क्योंकि जो मैच है अहमदाबाद में हुआ था और इनकी टीम थी गुजरात टाइटंस और ये अकेले गुजराती थे उस टीम में। तो इसीलिए हार्दिक पांड्या जो है लगातार चर्चाओं का बाजार जो है गर्म है उनके नाम से, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से इस पूरे सीजन में आईपीएल 2022 के सीजन में जिस तरह से कप्तानी की, जिस तरह से बैटिंग की, जिस तरह से बॉलिंग की और जिस तरह से टीम को लीड किया, उसके बाद जिस तरह से फाइनल में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया, तो फिर शोर होना तो लाजमी था। बट इसी बीच हार्दिक पांड्या की जो कप्तानी है उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं जारी हैं, बहुत सारे क्रिकेटर क्रिकेट दिग्गजों का बहुत मानना है, बहुत से फैंस का कुछ मानना है कि इंडिया टीम की जो कप्तानी है उसके बारे में अब हार्दिक पांड्या का जो नाम है वो आना चाहिए। और रोहित शर्मा के बाद हार्दिक पांड्या को कप्तानी देने की भी बात चल रही है, क्योंकि इस तरह से कप्तानी की इस पूरे सीज़न में, अपनी टीम को डेब्यू सीजन में खिताब दिला दिया हार्दिक पांड्या ने, तो फिर चर्चा होना तो भैया लाजमी था। और उसी के बीच एक पूर्व क्रिकेटर ने हार्दिक पांड्या की इसी चर्चाओं को लेकर, एक कप्तानी को लेकर एक बयान दिया है जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। तो चलिए आप देखिए इस वीडियो को और अंत तक बने रहिए कि कौन है वो पूर्व क्रिकेटर जिन्होंने हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर बात की है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान की, जो पूर्व ऑलराउंडर भी रह चुके हैं और फिलहाल आईपीएल 2022 में कमेंट्री करते हुए नजर आए थे। दरअसल इरफान पठान 37 साल के ये पूर्व क्रिकेटर भोपाल गए हुए थे एक निजी कार्यक्रम के दौरान, और उसी दौरान उन्होंने हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर अपना जो बयान है वो दिया। उनके मुताबिक 2 महीने की जो आईपीएल फ्रेंचाइजी की कप्तानी करना और इंडियन टीम की यानी कि कंट्री की कप्तानी करना, ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसीलिए 2 महीने की फ्रेंचाइजी की कप्तानी पर या आईपीएल की कप्तानी के दम पर किसी को इंडियन नेशनल टीम की कप्तानी मिलना, ये उनके हिसाब से जो है सही नहीं है। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि अभी उन्हें थोड़ा और सीखना पड़ेगा कप्तानी के नज़रिए में। तो ये इरफान पठान ने बयान दिया है हार्दिक पांड्या को लेकर, क्योंकि हार्दिक पांड्या का नाम अभी इतना ज़्यादा उछाल में आ गया इंडियन टीम की कैप्टेंसी के मामले में, क्योंकि देखिए दरअसल पहले से ही विराट कोहली ने जब कप्तानी छोड़ी तो उसके बाद रोहित शर्मा को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे हो या फिर हो T20, और इस साल T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है और उसके बाद 2023 का ODI वर्ल्ड कप भी खेला जाना है। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 2023 के ODI वर्ल्ड कप तक तो रोहित शर्मा जो है वो कप्तान बने रहेंगे, बट उसके बाद क्या, उसके बाद जो नंबर्स आते हैं, जो लिस्ट में नाम है वो है केएल राहुल का, ऋषभ पंत का, श्रेयस अय्यर का, और अब आईपीएल खत्म होने के बाद हार्दिक पांड्या का भी जो नाम है वो इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। देखिए अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो इंडिया की होम सीरीज होने वाली है उसमें हार्दिक पांड्या टीम में जरूर है, उनकी वापसी हुई है T20 वर्ल्ड कप के बाद, बट एज अ प्लेयर कप्तान तो केएल राहुल रहेंगे और वाइस कप्तान रहेंगे ऋषभ पंत, और इस टीम में श्रेयस अय्यर भी होंगे, यानी कि एक टीम में इतने सारे कप्तान की जो नॉमिनेशन है वो सब खेलने वाले हैं। तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद सभी सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाएगा और हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, बट इस पर सिलेक्टर्स ने जो है पूरा नज़रिया जो है रुख साफ कर दिया कि इस बार कप्तान तो केएल राहुल होंगे। हालांकि ये खबरें भी आ रही है कि आयरलैंड के खिलाफ जो 2 T20 मैचेस होने हैं उसमें हार्दिक पांड्या को शायद कप्तान बना जा सकता है ट्रायल के तौर पर। तो हार्दिक पांड्या का नाम कप्तानी के तौर पर बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहा है, बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए उन्होंने परफॉर्मेंस भी ऐसा किया है कप्तान रहते हुए एज अ प्लेयर 487 रन इस पूरे आईपीएल 2022 के सीजन में बनाए, उसके बाद 8 विकेट्स भी लिए, मैन ऑफ द मैच रहे फाइनल के मैच में जहां पर 3 विकेट्स लिए थे, 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स राजस्थान रॉयल्स के लिए थे और कमर तोड़ दी थी, और उसके बाद जब बैटिंग आई तो 34 इंपॉर्टेंट रनों का योगदान भी दिया। तो हार्दिक पांड्या पहले जिनकी आलोचनाएं हो रही थी T20 वर्ल्ड कप के बाद क्योंकि फिटनेस इशू था, उसके बाद वापसी की आईपीएल में पहला डेब्यू सीजन किया, गुजरात की तरफ से कप्तान बनाए गए और जिस तरह से टीम को लीड किया और उसके बाद आईपीएल की ट्रॉफी अपनी टीम को जितवा दी, तो इसलिए हार्दिक पांड्या की जो कप्तानी है वो पूरे सीजन में शानदार रही और उसकी बदौलत उनकी टीम जीती भी। तो इसीलिए यही कयास लगाए जा रहे हैं कि
हार्दिक पांड्या फ्यूचर इंडियन कैप्टन की रेस में शामिल हो सकते हैं, बट इरफान पठान का मानना है कि 2 महीने की फ्रेंचाइजी और कंट्री की कप्तानी करने में जो फर्क है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए इन्हें थोड़ा और सीखना होगा। अब आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या हार्दिक पांड्या को अगला फ्यूचर कप्तान इंडिया का बनाया जा सकता है या फिर अभी थोड़ा सा और वक्त देने की जरूरत है। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या हार्दिक पांड्या अगर कप्तान बनते हैं तो क्या वो सफल साबित होंगे इंडियन टीम में, यानी कि नीली जर्सी में क्या वो सफल साबित होंगे, क्या आईपीएल का जिस तरह से उन्होंने अपना सीजन रहा है क्या उसी सीजन की फॉर्म और उसी सीजन की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं क्या वो कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, आप प्रेडिक्ट करिए कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।